हेलो दोस्तों, हम राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 4 घन और घनमूल प्रश्न में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वह कहता है एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे हैं कि प्रत्येक तह की हर पंक्ति में उतना ही सेब है जितना उस तह में कुल पंक्तियाँ है। देखिए बुआ, एगो जो है वह पेटी है, ये जो है वह एगो जो है वह पेटी है, ठीक है। एगो जो है वह क्या है? तो पेटी है, ठीक है। कहता इस प्रकार जो है, यानी कि पेटी में सेब को रखा जाता है कि प्रत्येक तह में, यानी कि प्रत्येक तह में, यानी कि जितना, यानी कि यानी प्रत्येक तह में हर पंक्ति में उतना ही, यानी कि सेब है, यानी कि उतना ही सेब है जितना उस तह में कुल पंक्तियां है। यदि कुल तह की तह की संख्या भी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। देखिए बुआ, ये जो है वह, यानी कि ये जो है वह घन के रूप में जो है वह एक आयता, ये जो है वह यानी घन के रूप में जो है वह एक पेटी है, ठीक है। ये जो है वह घन के रूप में जो है वह एक पेटी है, ठीक है। ये जो है वह इस प्रकार से एक पेटी है, ठीक है। और उसमें जो है वह कहता है कि जो है वह, यानी कि जितना पंक्ति है, ये जो है वह जितना पंक्ति है, यानी कि जितना जो है वह, यानी कि सेब में हर एक पंक्ति में उतना ही सेब है जितना त है। ये जो है वह जितना ही पंक्ति है उतना ही जो है वह, यानी कि त है। और ये जो है वह कुल पंक्तियां हैं, यानी कि जितना उस जितनी उस त में कुल पंक्तियां हैं, यानी कि जितना जो है वह, यानी कि उसमें सेब है उतना ही जो है वह पंक्तियां भी है, ठीक है। और जो है वह कहता है कुल त की संख्या भी और पंक्तियों की संख्या सब जो है वह बराबर है। और जो है वह पेटी में जो है वह कुल 5832 सेब हो, तो हर पंक्ति में सेबों की संख्या पूछा है, ठीक है। तो इनको जो है वह क्या करेगा, तो ये जो है वह, यानी कि इनका घनमूल निकाल दीजिएगा तो जो है वह निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है पेटी में जो है वह, यानी कि सेब की संख्या कितना है, तो 5832 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पेटी में कुल सेब कितना है, तो ये जो है वह 5832 है। ये 5832 है, तो इनका जो है वह हम पहले, यानी कि जो है वह, यानी कि क्या करते हैं, तो घनमूल निकालते हैं। जो आएगा वही जो है वह हर पंक्ति में जो है वह सेब की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो 5832 का जो है वह हम घनमूल निकालते हैं। तो ये जो है वह 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे तो ये जो है वह 2 9 16, फिर ये 2 से लगाएंगे 14 2 28, ये जो है वह 5 और ये 8 2 16, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 7 2 9, 729 आएगा। 729 को जो है वह 3 से लगाइए तो ये जो है वह, ये जो है वह 2, यानी 3 से लगा देंगे तो ये जो है वह 3 3 9, ये जो है वह 3 3 9, 3 3 9 कैसे होगा, 3 2 6 होगा, 3 4 12, और ये 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 81, फिर ये 3 से लगाएंगे तो ये 27, फिर ये 27 को 3 से लगाएंगे तो ये 9, फिर ये 3 और ये 3। सिंस ये जो है वह क्यूब रूट ऑफ, ये जो है वह 5832 इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ, देखिए 3 गो 2 3 गो 3 3 गो फिर 3 आया हुआ है। ये 1 2 3 गो 2 3 गो 3 आया हुआ है और ये 3 गो फिर ये 3 आया हुआ है। देखिए जोड़ा, यानी कि ग्रुपिंग बनाइए 3 3 गो, तो देखिए ये 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 2 18 आया हुआ है। 18 आया है तो हर पंक्ति में जो हुआ सेब की संख्या क्या होगा, तो 18 होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या 18 होगा और ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आप जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 13 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप जो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।